नकली घी बनाने के सामान सहित 253 किलोग्राम नकली घी बरामद। मारवाड़ जंक्शन पुलिस अधीक्षक पाली राहुल कोटकी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल के निर्देशानुसार एवं प्रता अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार के निकटतम सुपरविजन में ब्रत सोजत पुलिस द्वारा ड्रग माफिया व मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध तथा नकली पदार्थ तैयार कर बेचने वालों के खिलाफ चलाए जा रही कार्रवाई की इसी कड़ी में मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी गोपाल विश्नोई मय जाप्ता द्वारा थाना मारवाड़ जंक्शन द्वारा कस्बा मारवाड़ जंक्शन में कमल पुत्र लालू सिंधी निवासी सिंधी बाजार मारवाड़ जंक्शन के किराए के मकान पर दबिश दी गई तो नकली घी बनाने के सामान सहित 253 किलोग्राम नकली घी भी बरामद किया गया। HSO गोपाल विश्नोई मय जाप्ता द्वारा मकान पर दबिश दी गई तो कमल सिंधी द्वारा नकली घी बनाकर नकली घी को असली के रूप में बेचने के कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर नकली घी बनाने के सामान सहित 253 कमल पुत्र लालू सिंधी निवासी सिंधी बाजार मारवाड़ जंक्शन फरार हो गया। हाँ सर, आज दिनांक 24/4/20 को मारवाड़ कस्बे में अवैध घी नकली घी बनाने की इतला पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी जिसके करीब 253 किलो नकली घी मिला गया था, जिसकी सूचना पिछले करीब 15-20 दिन से नकली घी की सूचना मिल रही थी, जिस पर मुखबिर मामूर किया गया था और घर पे दबिश दी गई थी। करीब 2.5 क्विंटल नकली घी मिला। नकली घी बनाने के कई इंस्ट्रूमेंट उपकरण मिले, नाप तोल के उपकरण मिले हैं, कांटा पाट मिले हैं, अवैध गैस सिलेंडर, अलग अलग कंपनियों के सर्च के अमूल के अलग अलग कंपनियों के पैकेट्स बनाने के कई उपकरण मिले हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया, पदार्थ की जब्ती की गई तथा मुलजिम जिसके घर से नकली घी मिला है वो मुलजिम है कमल पुत्र लालू जाति सिंधी निवासी मारवाड़ जंक्शन, जो वाका मौके की कार्रवाई से फरार है, जिसकी तलाश जारी है।